बुलेटिन का आगाज करें और सबसे पहले आपको बताएं कि लाहौर समेत मुल्क भर के सार्फीन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया है। घरेलू सार्फीन के लिए बिजली का बुनियादी टैरिफ 7.12 रुपए तक महंगा कर दिया गया। बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन पावर डिवीजन ने जारी किया है, जबकि महाना 200 यूनिट तक घरेलू सार्फीन 3 माह के लिए इजाफे से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। मजीद जानते हैं नुमाइंदा लाहौर न्यूज फाहद अमीन से। जी फाहद। बिल्कुल, कराची इलेक्ट्रिक सप्लाई कंपनी समेत जो है वो मुल्क भर के सार्फीन के लिए बिजली की कीमतों में इजाफा कर दिया गया और इस हवाले से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। घरेलू सार्फीन के लिए बिजली के बुनियादी टैरिफ में जो है वो 7.12 रुपए फी यूनिट इजाफा किया गया है। बिजली के बुनियादी टैरिफ में इजाफे का नोटिफिकेशन पावर डिवीजन की जानिब से जारी किया गया है। इस नोटिफिकेशन के मुताबिक महाना 200 यूनिट तक वाले सार्फीन 3 माह के लिए जो है वो इजाफे से मुस्तस्ना करार दिए गए हैं। दीगर सार्फीन के लिए जो है वो बिजली के बुनियादी टैरिफ फी यूनिट 7.12 रुपए जो है वो तक इजाफा किया गया है। घरेलू सार्फीन के लिए बिजली का फी यूनिट टैरिफ बगैर टैक्स के जो है वो 48.84 रुपए तक जो है वो पहुंच चुका है। महाना 201 से 300 यूनिट तक का टैरिफ 7.12 रुपए इजाफे से 34.26 रुपए का जो है वो हो चुका है। इसी तरह महाना 301 से 400 यूनिट इस्तेमाल करने वाले सार्फीन के लिए बुनियादी टैरिफ जो है वो 7.02 रुपए जो है वो इजाफे के साथ 39.15 रुपए तक जो है वो पहुँच चुका है। महाना 401 से 500 यूनिट का टैरिफ जो है वो 6.12 रुपए इजाफे के साथ 41.36 रुपए का जो है वो चार्ज किया जाएगा। इस हवाले से पावर डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया। पावर डिवीजन की जानिब से नोटिफिकेशन जारी कर दिया गया है। बहुत शुक्रिया फाहद अपडेट करने के लिए। वज़ीर आला पंजाब का फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल ख़त्म करने का खैर मकदम। मरियम नवाज कहती हैं जायज़ मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की ज़रूरत नहीं है, जायज़ तहफ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करूंगी। आटा और रोटी महंगी होने का नुकसान सिर्फ गरीब आवाम को होगा। मज़ीद तफ़सीलात इस रिपोर्ट में। आटे की किल्लत होगी ना रोटी महंगी होगी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज ने फ्लोर मिल्स की हड़ताल खत्म करवा दी। वज़ीर आला पंजाब का फ्लोर मिल्स एसोसिएशन की हड़ताल खत्म करने का खैर मकदम। फ्लोर मिल्स एसोसिएशन विद होल्डिंग टैक्स के नफाज के खिलाफ पंजाब में हड़ताल नहीं करेगी। वज़ीर आला मरियम नवाज ने एसोसिएशन के चेयरमैन और दीगर ओहदेदारों का शुक्रिया अदा किया। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा की आटा और रोटी महंगे होने का नुकसान सिर्फ गरीब आवाम को होगा, जायज़ तहफ़्फ़ुज़ात और मसाइल के हल के लिए भरपूर किरदार अदा करूँ, जायज़ मसाइल के हल के लिए हड़ताल करने की जरूरत नहीं। वज़ीर आला पंजाब ने हड़ताल के नतीजे में आटे की किल्लत और आवाम के लिए रोटी महंगी होने के खदशात का इजहार किया था। बिल्डिंग मटेरियल में इस्तेमाल होने वाली अशिया सीमेंट, बजरी, रेत, ईंट और टाइल के सरकारी रेट मुकर्रर कर दिए गए। सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन ने हड़ताल का ऐलान कर दिया। शहर में कोई भी दुकानदार हुकूमती रेट्स पर सीमेंट समेत दीगर अशिया की फरोख्त पर तैयार नहीं है। नए बजट के बाद तामीराती मटेरियल भी महंगा कर दिया गया। पंजाब हुकूमत ने तामीराती मटेरियल के रेट्स का नोटिफिकेशन जारी कर दिया। सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन हड़ताल पर जाने को तैयार। लाहौर में सीमेंट के फी बैग की सरकारी कीमत 1360 रुपए मुकर्रर, मगर दुकानों पर 1600 रुपए तक फरोख्त हो रहा है। अव्वल दर्जे की 1000 ईंट की कीमत 15200 रुपए मुकर्रर, दुकान पर 18000 रुपए फी हजार फरोख्त हो रही है, जबकि सारिफ के घर पहुँच के अखराजात अलग वसूल किए जाने लगे। इसी तरह 1000 टाइल की कीमत 16000 रुपए मुकर्रर की गयी है, दुकान पर 19000 से 20000 रुपए तक फरोख्त जारी है। सरिये की फी टन कीमत भी 2,45,000 से 2,55,000 रुपए कर दी गई। मार्केट में फरोख्त 2,80,000 रुपए, जबकि सारिफ को 5 से 10 हजार घर तक पहुंच डालकर 2,95,000 रुपए तक सरिया फरोख्त किया जा रहा है। मजदूरों का कहना है कि दुकानदार सीमेंट और मटेरियल महंगा फरोख्त कर रहे हैं। अगर सीमेंट की कीमत ज्यादा वसूल की जाएगी तो लोग तो पहले ही घर तामीर करवाने से डरते हैं। सीमेंट और भी महंगा हो गया और मजदूर लोग क्या करेगा, गरीब लोग हैं। ये सीमेंट भी महंगा है, बिजली भी महंगा हो गया और सब कुछ महंगा है जी। हुकूमत ने चाहते हैं जी, मैं मरियम निवाद कह दिए ना, गरीबों वास्ते सोचेंगे, ये मजदूर तबका है ना, नांदे वास्ते कुछ सोचे, उसके बाद सोचे बस की करना है जी। पैसा पा कोल नहीं होगा, नांदा हक के 15-20 हजार 40 हजार रुपया सुन देवे। गरीब मजदूरों का कहना था कि सीमेंट डीलर्स हड़ताल पर चले गए तो गरीब का चूल्हा ठंडा पड़ जाएगा। सीमेंट सेक्टर पर टैक्स के खिलाफ डीलर सरापा एहतजाज हैं और हड़ताल का ऐलान कर दिया है। पेट्रोल इन चीफ चौधरी मुनीर कहते हैं, हमें एफबीआर का एजेंट बनाया जा रहा है, कोई डीलर किसी कंपनी से सीमेंट की सप्लाई नहीं उठाएगा।
लाहौर चैम्बर में सीमेंट पर टैक्सी जायद होने के हवाले से सेमिनार का एहतमाम। सीनियर नायब सदर चैम्बर जफर महमूद चौधरी, नायब सदर सार्क चैम्बर मियां अंजुम निसार की भी शिरकत। पेट्रोल इन चीफ सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन चौधरी मुनीर ने कहा कि वफाकी बजट में सीमेंट सेक्टर पर टैक्स आयद करना कबूल नहीं, हड़ताल का ऐलान करते हैं। कोई भी डीलर कंपनियों से सीमेंट नहीं उठाएगा, जब तक मुतालबात पूरे नहीं होते हड़ताल जारी रहेगी। लाहौर चैम्बर से दरख्वास्त है कि हमारी चेयरमैन FBR से मुलाकात करवाई जाए, पॉइंट ऑफ सेल्स का मसला हल होना चाहिए। चेयरमैन साहब से रिक्वेस्ट की जाए, एक दो हमें मौका दें, हम अपना तक जो भी हालात है उन्हें बताया जाए, प्रैक्टिकली ये मुमकिन नहीं है। हमारा ये मुत्तफिका फैसला है अंजुम साहब कि हम आज रात 12 बजे से हम लिफ्टिंग बंद कर रहे हैं और सीमेंट हम नहीं उठाएंगे जब तक हमारे मुतालबात मंजूर नहीं होते। नायब सदर सार्क चैम्बर मियां अंजुम निसार ने कहा कि हुकूमत कोई भी पॉलिसी बनाते वक्त स्टेक होल्डर्स से मुशावरत नहीं करती। टैक्सेस लगाने हैं तो हमें बुलाएं और मुशावरत करें। मरहला वार टैक्स की शराह को बढ़ाना चाहिए लेकिन ऐसा नहीं किया जाता। सबसे बड़ा जुल्म ये है कि स्टेक होल्डर्स को बुला के नहीं पूछा जाता कि जनाब ये टैक्सेस हम लगाना चाहते हैं या इतना रेवेन्यू आपके सेक्टर से हमने लेना है, तो उसके लिए आप आसान और कोई सिंप्लीफाइड तरीक़ाकार बता दें ताकि देने वाला और लेने वाले दोनों जो है अपना वो टैक्सेस गवर्नमेंट के खाते में चला जाए। इस मौके पर चेयरमैन सीमेंट डीलर्स एसोसिएशन साजिद चौधरी, नायब सदर हसन शेख अब्दुल मजीद, चेयरमैन प्याफ फहीमुर रहमान सहगल और दीगर ने भी हुकूमत पर सीमेंट डीलर्स के मुतालबात को फौरी तस्लीम करने पर जोर दिया। और अभी आपको बताएं कि फ्लावर मिल्स की हड़ताल मौखर कर दी गई है। लाहौर में बतदरीज आटे की सप्लाई मामूल पर आने लगी है। मार्केट में आटे का 10 किलो का थैला 900 और 20 किलो वाला 1800 रुपए में फरोख्त हो रहा है। ये रिपोर्ट देखिए। फ्लावर मिल्स की हड़ताल मौखर। लाहौर समेत पंजाब में आटे की सप्लाई मामूल पर आने लगी। मार्केट में आटे का 10 किलो का थैला 900 जबकि 20 किलो वाला थैला 1800 रुपए में फरोख्त। खुला सुर्ख आटा 100 रुपए, फाइन खुला आटा 110 और चक्की का आटा 150 रुपए किलो दस्तियाब। फ्लावर मिल्स ने आटे पर विद होल्डिंग टैक्स के खिलाफ 10 जुलाई से हड़ताल कर रखी थी। हुकूमती यकीन दहानी पर फ्लावर मिल्स ने हड़ताल 10 रोज के लिए मौखर की। सेक्रेटरी खुराक पंजाब मौजम इकबाल का कहना है कि मुहर्रम अल हराम के पेश नजर मार्केट में आटे की बिला तअत्तुल फराहमी को यकीनी बनाया जाए। कैमरामैन अदनान हसन के साथ जाहिद आबिद, लाहौर न्यूज़। वज़ीर-ए-आला पंजाब मरियम नवाज ने कहा है कि स्मोक के मुस्तकिल सदेबाब के लिए मिलजुल कर इकदाम करना होंगे। स्मोक फ्री पंजाब इनिशिएटिव के तहत यंग एजुकेट कम्युनिटी सर्विस की मुनफरिद खिदमात अंजाम देंगे और अवाम स्मोक के संजीदा मसले के हल के लिए हुकूमत का साथ दें। मेरा पंजाब स्मोक फ्री। पंजाब में चीफ मिनिस्टर क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम का आगाज। स्मोक फ्री पंजाब इनिशिएटिव के तहत यंग ग्रेजुएट्स कम्युनिटी सर्विस की मुनफरिद खिदमात सर अंजाम देंगे। गुज़श्ता 2 साल में अपनी डिग्री मुकम्मल करने वाले ग्रेजुएट्स अप्लाई कर सकते हैं। इंटर्न्स को महाना 25,000 रुपए स्कॉलरशिप दिया जाएगा। वज़ीर-ए-आला मरियम नवाज ने कहा कि स्मोक के मुस्तकबिल सदेबाब के लिए मिलजुल कर इकदाम करना होंगे। क्लाइमेट लीडरशिप डेवलपमेंट इंटर्नशिप प्रोग्राम कम्युनिटी सर्विस और माहौलियाती तहफ्फुज के लिए प्लेटफॉर्म फराहम करता है। इंटर्नशिप प्रोग्राम में 20 जुलाई 2024 तक रजिस्ट्रेशन करवाई जा सकती है। इंटर्नशिप मुकम्मल करने वाले नौजवानों को कम्युनिटी सर्विस सर्टिफिकेट जारी किया जाएगा। अवाम स्मोक के संजीदा मसले के हल के लिए हुकूमत का साथ दें। वज़ीर-ए-आला पंजाब ने मजीद कहा कि प्लास्टिक के इस्तेमाल में कमी लाई जाए और फसलों की बाकियात को जलाने से गुरेज किया जाए। रवां साल पंजाब हुकूमत के इकदाम से स्मोक में कमी आएगी। हसर अजार, लाहौर न्यूज़। ऑरेंज लाइन ट्रेन की तामीर के दौरान मुबैना बेजाबतियां, नैब ने ऑरेंज ट्रेन पर एक और इंक्वायरी शुरू कर दी है। शुबर्जी पार्क को कास्टिंग यार्ड के तौर पर इस्तेमाल करने में मुबैना कॉन्ट्रैक्टर को नवाजा गया है। नैब ने LDA से सवालों के जवाब तलब कर लिए। अली टाउन से डेरा गुजरा तक बनने वाली मेट्रो ऑरेंज लाइन ट्रेन की तामीर के दौरान बेकायदगियां की गयी, जिस पर नैब और एंटी करप्शन की जानिब से तहकीकात का आगाज किया गया। 4 साल से ऑरेंज ट्रेन के तामीराती काम पर मुसलसल तहकीकात की जा रही है। ऑरेंज ट्रेन में मुबैना तौर पर ठेकेदार को बासने पर एक और इंक्वायरी शुरू कर दी गई। नैब ने कास्टिंग यार्ड निजी कॉन्ट्रैक्टर्स के हवाले करने से मुतालिक रिकॉर्ड तलब कर लिया है। जराय का कहना है कि मकबूल कॉल्सन्स को ब्लैकलिस्ट डिक्लेयर करने के बाद कास्टिंग यार्ड ZKB कंपनी के हवाले कर दिया गया। नैब ने प्रोजेक्ट डायरेक्टर से 4 सवाल के जवाब तलब कर लिए। क्या कास्टिंग यार्ड की जगह निजी कॉन्ट्रैक्टर कंपनी को देने से मुतालिक कोई मुआहदा तय पाया? क्या चुबुर्जी ग्राउंड को 4 साल इस्तेमाल करने का किराया वसूल किया गया? मुफादे आमा की जगह हासिल करने के बाद इलाका मकीनों को मुतबादल जगह फराहम की गयी? नैब ने 7 रोज में LDA को जवाब जमा करवाने की हिदायत कर दी है। कैमरा टीम के हमराज ज़ैनुल आबिदीन, लाहौर न्यूज़। शहर में आज और कल भी बारिश बरसने की पेशगोई की गई है। मूसलाधार बारिश के बायस पंजाब में अर्बन फ्लडिंग का खदशा है। गैर मामूली हब्स और हवा में नमी का तनासुब ज्यादा है। इसी हवाले से मजीद तफसीलात जान लेते हैं मोहम्मद यासीन से।
صوبائی دارالحکومت لاہور میں آج موسم گرم اور مرطوب ہے، دھوپ اور چھاؤں کا سلسلہ بھی جاری ہے۔ محکمہ موسمیات نے لاہور میں آج اور کل بارش برسنے کی پیشگوئی بھی کر دی ہے، اور یہ بھی یہاں میں بتاتا چلوں کہ دن بھر سورج اور بادلوں کی آنکھ مچولی کے باعث اگرچہ درجہ حرارت میں کسی حد تک کمی ہوئی ہے، مگر غیر معمولی حبس اور ہوا میں نمی کا تناسب زیادہ ہونے کے باعث گرمی کی شدت ہے وہ زیادہ محسوس ہو رہی ہے۔ آج کم از کم درجہ حرارت لاہور میں 28 ڈگری سینٹی گریڈ اور زیادہ سے زیادہ 35 ڈگری سینٹی گریڈ تک ریکارڈ کیا گیا ہے، جبکہ اس وقت شہر کا درجہ حرارت جو ہے وہ 34 ڈگری ہے، اور جبکہ جو اس وقت گرمی کی شدت جو ہے وہ 37 ڈگری سینٹی گریڈ تک محسوس کی جا رہی ہے، اور ہوا میں نمی کا جو تناسب ہے اس وقت 52% ہے، جبکہ ہوا کی رفتار صرف 6 کلومیٹر فی گھنٹہ کی رفتار سے چل رہی ہے۔ شہریوں کو احتیاطی تدابیر پر مکمل طور پر عمل کرنے کی ہدایت کی گئی ہے، اور موسلا دھار بارش کے باعث پنجاب میں اربن فلڈنگ کا بھی ایک خدشہ ہے۔ جی بہت شکریہ یاسین۔